आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विस को सीआईसी लाइसेंस का अप्रूवल दे दिया। अब ये सीआईसी लाइसेंस क्या है, रुको बताता हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, या नॉर्मल बैंक्स की तरह लोन्स दे सकती है, इंश्योरेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट नॉर्मल बैंक्स की तरह डिपॉजिट्स नहीं ले सकती है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने सीआईसी लाइसेंस के लिए अप्रूवल दिया, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज है जो इक्विटी शेयर्स, प्रेफर्ड शेयर्स, डिबेंचर्स, डेट्स, लोन जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है ना ग्रुप कंपनीज। अब ग्रुप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी खुद की सब्सिडरीज कंपनीज में मेजर स्टेक होल्डिंग्स होता है। अब जैसे टाटा एंड सन्स एक सीआईसी कंपनीज है, मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जिनके अंडर जितने भी सब्सिडरीज उनकी कंपनीज है उनमें मेजर स्टेक होल्डर्स वो हैं। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक सीआईसी कंपनी बन गई है, मतलब इनका जो 90% एसेट है वो इक्विटीज, डेब्ट, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड लोन्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड होगा, और 60% एसेट एटलीस्ट इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होगा जो कि रिलायंस के सब्सिडरीज कंपनीज में ही होंगे। तो इस पूरे न्यूज का मतलब यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो पूरे डिपेंड करेंगे इक्विटी शेयर्स जो इनकी होल्डिंग्स है उनके स्टॉक एप्रिसिएशन पर, दूसरा जो डिविडेंड इनको मिलेगा उन पर, और जो ये लोन दे रहे होंगे उनको उनके जो इंटरेस्ट आएगी उस पर। तो ये है पूरा न्यूज सीआईसी का। अगर आपको ये रियल इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी नाउ। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।